हूँ, मैं हूँ विवेक मिश्रा और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, जब आप सभी गंगोत्री आते हो तो गंगोत्री गंगा माँ के मंदिर तक ही सीमित नहीं रहे। गंगोत्री अपने में एक बहुत बड़ा रहस्य समाये हुए है। अगर हम पुराणों की बात करें, सतयुग की बात करें, त्रेता युग की बात करें, तो वहाँ तक ये रहस्य हमें खींच कर ले जाते हैं। तो आज आए हुए हम माँ गौरी के तपो स्थली में, जहाँ से माँ गौरी जो है वह प्रकट हुई। चलिए आज आप सभी को दिखाते हैं और उस कहानी को भी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। आप वीडियो में आगे जरूर बने रहें। दोस्तों, गंगोत्री से जो है मात्र 500 मीटर की दूरी पर अभी गौरी चट्टान पे हैं हम, और इसकी कहानी जो है ऐसी है कि जब सुम निसुम दो राक्षस जो है पृथ्वी लोक में और ब्रह्मांड लोक में बहुत कोहराम मचाया हुआ था, तब सभी देवी देवता जो है इस चट्टान पे आए और माँ गौरी को स्मरण करने लगे। माँ गौरी को जब उन्होंने यहाँ पर स्मरण किया, माँ गौरी जो है अपने कुंड से जो है, एक कुंड आप देख पा रहे हैं, इस कुंड से जो है नहाकर जो है माँ गौरी बाहर गई। जब माँ गौरी यहाँ पर आई तो उनके शरीर से बहुत ज़्यादा प्रकाश निकला और वो प्रकाश जो है इस जगह पे सिरे टकराया। उस प्रकाश से यहाँ पर एक माता उत्पन्न यहाँ प्रकट हुई। उस माता ने जो है सुम्बलिसुम दोनों राक्षसों का वध किया और तभी से जो है इस जगह का नाम गौरीपुर है। जब भी आप गंगोत्री आते हो तो इस जगह पे जरूर आना, गौरीपुर में। और अगर आप आओ तो शाम के समय इसलिए आना क्योंकि यहाँ पर माता गौरी के स्पष्ट रूप से शाम को आप उनका यहाँ पर स्मृति चिन्ह देख सकते हो, साक्षात रूप में, जिसे कहते हैं साक्षात रूप में माता गौरी को देख सकते हो। भगवान शिव यहाँ पर दिखाई देते हैं, गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर साक्षात दिखाई देती है, हनुमान जी यहाँ पर साक्षात दिखाई देते हैं। परंतु शाम के समय आना, जब सूरज जो है पश्चिम दिशा की ओर, सुबह के समय आओगे तो सूरज जो है पूर्व दिशा की ओर, इसलिए आप पश्चिम दिशा की ओर आओ और माता गौरी का इस भव्य रूप का अलौकिक दृश्य का आनंद आप अपनी इन आँखों से जरूर लें। अभी जा रहे हैं हम पांडव गुफा की तरफ। कहा जाता है महाभारत युद्ध खत्म होने के पश्चात जब पांडवों ने अपने ही भाइयों को युद्ध में हरा कर उनको मृत्यु के सैया पर लिटा दिया था, तो उनके जो है अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए जो है पांच भाई पांडव यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पर महायज्ञ किया था और महायज्ञ के साथ ही उन्होंने यहाँ पर जो है गंगा में स्नान किया था। उसके बाद ही जो है पांडव यहाँ से आगे स्वर्ग के लिए प्रस्थान हुए थे। तो अभी जा रहे हैं उसी जगह पे और जो है मंदिर से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से जो पांडव गुफा है। अभी जा रहे हैं हम एक घने वृक्षों के बीच से जा रहे हैं हम, तो काफ़ी सुंदर मनमोहक दृश्य है। रास्ते में हमें गौरीकुंड भी देखने को मिला और गणेश गुफा भी देखने को मिली, बहुत सारी जगहें हमें देखने को मिली और आगे भी आप सभी को देखने को मिलेगी। तो आप मेरी वीडियो में आगे जरूर बने रहें। तो साथियों, ये है पांडव गुफा जहाँ पर महाभारत काल खत्म होने के पश्चात, जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था उसके बाद जो है पांडव यहाँ पे आए थे, इस जगह पे आए थे, यहीं उन्होंने जो है हवन किया था, यज्ञ किया था, उसके पश्चात ही यहाँ से वो जो है स्वर्गलोक की तरफ प्रस्थान हुए थे। चलिए आपको भी इस गुफा से रूबरू कराते हैं। और जो हमारा उत्तरकाशी गंगोत्री है वो रहस्यों से भरा हुआ है, काफ़ी सारे रहस्य हैं यहाँ पर और भी सारी यहाँ पर पांडवों की बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारी जगहें यहाँ पर हैं। तो अभी तो हम यहाँ पे आए हैं पांडव गुफा में, आगे हम देखते हैं आगे कहाँ तक जाया जाता है। अभी तो शायद स्टे हमारा आज हर्षिल में होगा, परंतु फिलहाल जो है आप यहाँ का आनंद लीजिए। ये पांडव गुफा है, यहाँ पांडवों ने अपनी गुफा बनाई थी क्योंकि जब पांडव आए थे तो उन्होंने गोपनीय तरीके से जो रहते थे। तो देखिए कितना छोटा दरवाजा है यहाँ से अंदर जाने के लिए, तो ये इतनी बड़ी शिला है। कहा जाता है इस शिला को जो है भीम जो है माता कुंती के जो मंझले पुत्र थे उन्होंने जो है इस गुफा को खोजा था यहाँ पर। और यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे जूते उतारेंगे हम भी, यहाँ से अंदर जाएंगे और देखेंगे कि पांडव गुफा में क्या क्या हमें आगे देखने को मिलता है। ये दो रास्ते हैं पांडव गुफा में अंदर जाने के और बाहर आने के। तो अभी हम पांडव गुफा में एंटर हो रहे हैं यहाँ से, तो इधर देखिए ये बात। और तुम्हारा काम उधर शहर में भी है? और शहर में गए? हाँ जी महाराज। और शहर से वापस होना घर के लिए? हाँ जी महाराज। और रास्ते में तुमको कोई लोभ आ जाए वही विश्वास ना है, स्त्री लोभ आ जाए, रंडीबाजी में लोभ आ जाए, जुए में लोभ आ जाए, छल कपट में लोभ आ जाए, उसको वहां पर त्याग दो। हाँ, वो सीधे अपने घर आओ, उनसे कोई मतलब नहीं है, अपने काम से काम, मुंह में राम हाथ में काम, बस
इंद्रिया का दमन तो कर सकता वही तो तुम्हारे जब तुम्हारी इच्छा लेकिन मन पर कैसे काबू पाए अब वापस आते हुए रास्ते में कोई भी आपको मिल गया मेरे जैसा अरे आजा बैठ जा अरे वो फलाना ऐसा है अरे वो फलाना ऐसा है तेरी की मैं वो सा, काम सारा खराब कर दिया उसने सही हम तो आ रहे थे अपने घर को हम तो आ रहे थे अपने घर को उसका भाई जो काम का रोक लिया बीच में। साथियों पांडव गुफा के दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं पाताल गुफा में। दोस्तों वैसे तो एक गंगोत्री है रहस्यों से भरा हुआ है यहाँ ना जाने कितने रहस्य बसे हुए हैं इन बुग्यालों में इन वादियों में जिस तरीके से खूबसूरत वादियाँ हैं इन खूबसूरत वादियों के बीच में काफी रहस्य बटोरे हुए हैं। तो ऐसी रहस्यों के बीच में आप सभी को आज लेकर जा रहा हूँ पाताल गुफा की ओर। कहा जाता है कि यहाँ एक बाबा जी हैं तो उन बाबा जी को मिलेंगे हम तो यहाँ पर काफी डेंजरस रास्ता है हो सकता है कि हमें रस्सियों की सहायता से इसको पकड़ कर नीचे जाना पड़े तो हो सकता है कि हमें आधे रास्ते से वापस आना पड़े। चलिए आप भी मेरे इस वीडियो में पूरा बने रहे। दोस्तों देखो भाई ये रास्ता कितना डेंजर रास्ता है यहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता है बहुत ही डेंजर रास्ता है भाई ये बहुत डेंजर है। देखो यहाँ रस्सियाँ लगी हुई है अब मुझे कन्फर्म हो गया है कि नीचे पे जो है मुझे बैग अपने यहीं रखने पड़ेंगे क्योंकि जब हमको ही इतना डेंजर लग रहा है तो आप सोचो यहाँ कितना डेंजर हो गया। देखो ये बहुत ही डेंजर रास्ता है अभी तक जहाँ भी हम गए हैं उससे काफ़ी डेंजर रास्ता है भाई ये और मेरे पास बैग भी है। देखो ये है पाताल गुफा तो इसके दर्शन हर किसी को नहीं मिलते हैं तो हम जा रहे हैं इस तरफ यहाँ एक एक कदम जो है फूक फूक कर रखना पड़ रहा है बहुत डेंजर है भाई यहाँ से उतरना बहुत ही टफ है। ये देखो बहुत टफ है भाई तो दोस्तों देखो क्या भयानक रास्ता है ये तो इसलिए जो है मैं कह रहा था कि बहुत कम लोग इस जगह आ पाते हैं हम तो खैर यहीं के हैं लोकल तो हमें उतनी असुविधा नहीं हो रही है परंतु अगर एक नज़रिया से देखो मैं खुद की बात करूं तो बहुत ज़्यादा डेंजरस रास्ता है भाई ये अगर एक भी मिस्टेक हुई तो सीधे जान से हाथ धोने पड़ेंगे और सीधे नीचे गंगा माँ की गोद में समा जाएंगे। वैसे तक अभी तक यहाँ पर कोई ऐसी घटना नहीं हुई है कि कोई फिसल जाए परंतु देखते हैं बहुत संभल के देखो दोस्तों बहुत संभल के जाना पड़ रहा भाई यहाँ एकदम पाँव फिसल लेंगे तो सीधे नीचे भाई तो काफ़ी डेंजरस रास्ता था दोस्तों। अब इस रास्ते से होकर हम पाताल गुफा की ओर जा रहे हैं तो बहुत कम लोग ही हैं इस जगह पर आ पाते हैं तो मैं और महेश भाई जा रहे हैं अभी तो देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी बड़ी शिलाएँ हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आ रहे हैं हम और देखते हैं आगे अभी और भी ज़्यादा डेंजरस रास्ता है नीचे जाने का। आ ही चुके हैं हम यहाँ पे और ये गंगा माँ कितनी नज़दीक दिखाई दे रही है बहुत ही नज़दीक है और अगर सड़क की बात करूँ मैं रोड की तो रोड ओ रही ऊपर वहाँ पे है यहाँ से रोड अभी हमें बहुत दूर जाना है कम से कम 2-3 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं हम यानी कि गंगोत्री से तो हमने सोचा जब हम गंगोत्री में हैं ही तो क्यों ना सारे ही एक्सप्लोर करके जाएं। देखो भाई कैसी कैसी गुफाएं हैं यहाँ पे वो देखो चेक करो मुक्त गुफा क्या साथियों कुछ इस प्रकार है यहाँ का जो पाताल गुफा है यह है यहाँ पे पाताल गुफा का तो शायद मेन कहीं पे जाने का है परंतु अभी हम इस जगह पे आए हैं यहाँ पे जो है बाबा का आश्रम कुछ इस प्रकार बना हुआ है यहाँ पे बारिश का आना तो बहुत ही टफ हो जाता होगा। चलो देखते हैं थोड़ा बाबा से परमिशन लेके हम थोड़ा अंदर जाते हैं। इस गुफा को पाताल गुफा कहते हैं इसको यहाँ पे 15-20 साल से इस गुफा का किसी ने खोज की और यहाँ पे कुछ महात्मा रहते थे। तो साथियों हम आ चुके हैं गंगोत्री से डायरेक्ट हर्सिल तो आप देख पा रहे होंगे अभी हम हर्सिल में एंटर हो चुके हैं। हर्सिल जो है एक अपने में ही बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल है जहाँ की सेब और राजमा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अभी हम हर्सिल के गांव जो है बगोरी गांव में पहुँच रखे हैं तो अभी हम बगोरी गांव में हैं और नाइट स्टे हमारा आज बगोरी गांव में ही होगा। कैंप लगाने की जगह ढूंढ रहे हैं देखते हैं अगर कैंप हमें कहीं असुरक्षित जगह मिल जाता है तो ठीक। वैसे तो मौसम जो है ख़राब हो ही रहा है बाइक मैंने यहाँ पर ला लिया और महेश भाई यहाँ पर हैं और हमारे बैग सब यहीं पर हैं तो बारिश भी जो है आने वाली है और अभी हमारा कैंप जो है रेडी नहीं हुआ है। दोस्तों अभी जो हमने कैंप लगाया थोड़ी देर पहले और उसके बाद हम यहाँ पे हर्सिल में पहुँचे हैं अभी हैं बगोरी गांव में। तो बगोरी गांव की एक बहुत ही प्यारी कहानी है अपने में ही ये बहुत सारी बातें हैं इस गांव की बहुत सारी कहानियाँ हैं बहुत सारे तथ्य हैं बहुत सारी चीज़ें आगे जानने को बाकी है तो बने रहे मेरे साथ मिलेंगे किसी नई जगह नई डेस्टिनेशन पर। तब तक जय माँ गंगा जय वैमनाथ जय देवभूमि उत्तराखंड।